नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम तीर्थराज तिवारी। मैं अपने YouTube चैनल पगले का फंडा के लिए वीडियो बनाता हूँ। मैं आज का मेरा टॉपिक है मैहर की यात्रा में हम लोगों ने क्या चीज़ें देखी, वो चीज़ मैं आप लोगों को आज वर्णन करूँगा इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पे जो कुछ खास सच्चाइयाँ हैं इस मंदिर के बारे में और यहाँ के कुछ विशेषताएँ हैं उसके बारे में मैं यहाँ के लोगों से बातचीत करके उनके माध्यम से उनकी जुबानी ही आपको सुनाऊंगा। और आज हमारे साथ एक सहयोगी और भी हैं, कुंदन पांडे जी, वो भी हमारे साथ होंगे हमारे बीच। और मैं इस वीडियो के दौरान इस मंच के माध्यम से आप लोगों तक एकदम बिल्कुल सही से सही जानकारी देना चाहूँगा इस मैहर धाम के बारे में और माँ शारदा मंदिर के बारे में। जो आप लोगों ने या तो सुनी होगी या नहीं सुनी होगी उसके सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताऊँगा। और बिल्कुल सच्ची घटनाएँ उन पर आधारित हैं, यहाँ की जो चीज़ें हैं अविश्वसनीय घटनाएं जिन्हें हम कभी विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को इस मंच के माध्यम से पूरी तरह से सच्चाई से अवगत कराऊंगा। धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अगर आपको जरूर पसंद आए तो शेयर भी करें। इस मंच को आप जरूर ज्वाइन करें। इस मंच के ज्वाइन करने से आपको हमारे जो नोटिफिकेशन आने वाली वीडियोस जो है नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, वो स्किप मत करिए, अंत तक देखिए। मैं इसमें एक से एक नई सच्चाई को और उजागर करूँगा जो कि आपने कभी सुनी ही नहीं होगी इन चीज़ों के बारे में या देखी ही नहीं होगी। मैं उन सारी चीज़ों के बारे में बताऊँगा जो कि आप देखेंगे आज इस मंच के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, एकदम बिल्कुल सच्ची घटनाओं पर आधारित है ये कहानी, यहाँ की कहानी, जिसमें अलाउद्दीन के बारे में बताया गया है। यहाँ एक अखंड ज्योति के बारे में बात करूँगा और अलाउद्दीन के भी बारे में बात करूँगा। ये सारी चीज़ें मैं बात करूँगा इस वीडियो के माध्यम से ही। और आप लोग जैसा कि देखेंगे हमारे साथ, मैं यहाँ के प्रशासनिक लोगों से और भी जो लोग होंगे यहाँ के, उन लोगों से मैं बातचीत करूँगा, पुजारी लोगों से बातचीत करूँगा और दिखाऊँगा मैं इस वीडियो में कि मतलब क्या चीज़ें हैं यहाँ पर, रियलिटी क्या है जो इस घटना के बारे में। जैसे कि लोग कहते हैं ना कि यहाँ पे आल्हा पूजा करने आते हैं, आज भी आते हैं, और इन सब चीज़ों के बारे में और अखंड ज्योति जो कभी बुझी नहीं, और यहाँ पे और भी क्या क्या चमत्कार हैं, उन चमत्कार के बारे में भी बात करूँगा दोस्तों। और लास्ट तक बने रही है, अंत तक बने रही है हमारे इस मंच से, और आप इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों। रोपवे साइड का नज़ारा है, जो शॉप्स हैं ये रोपवे साइड में हैं, हम लोग रोपवे साइड्स की तरफ बढ़ रहे हैं। ये रोपवे साइड की बाउंड्री है जो आप लोगों को बैक एंड में दिख रही है। हम लोग ये यहाँ पे मैं इसके बारे में बताऊँगा, ये माँ शारदा अन्नकूट जो बिल्डिंग दिख रही है आपको, यहाँ पे 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक यहाँ पे भंडारा का समय होता है और ये शनिवार सात बंद रहता है। और ये 15 रुपये में भरपेट भोजन कराते हैं यहाँ पे। ये अन्नकूट शारदा धाम मैहर ये ट्रस्ट है और बहुत ही अच्छा है, ज़बरदस्त है। हम लोग रोपवे की साइड में आ चुके हैं, आप लोग मेरे बाइक में यहाँ पे देख सकते हैं, ये रोपवे है और हम आप लोगों को ले चलते हैं रोपवे की तरफ। आइए चलो सहा है उतना ही चैन भी पाया।
सड़क मार्ग है, आप लोग देख सकते हैं रोपवे के माध्यम से। इसके माध्यम से भी यहाँ पे फोर व्हीलर गाड़ियाँ आती हैं पहाड़ियों के ऊपर, जो कि यहाँ के प्रशासन ने बनवा रखा है जाने के लिए। आप यहाँ पे तीन रास्तों से जा सकते हैं, एक तो पहले सीढ़ियाँ बनी थी फिर रोड, उसके बाद रोपवे तैयार किया गया यहाँ पे ज़रूरत के हिसाब से। ये देखिए एक सीढ़ी यहाँ पे भी है, ये बैन कर दी गई है, काफ़ी खड़ी सीढ़ी थी और ये बैन कर दी गई है यहाँ पे। इस पे लोगों का आना जाना नहीं है, मतलब काफ़ी मतलब पुरानी सीढ़ी है, देख सकते हैं इस माध्यम से पूरी तरह से क्लियर हो रही है नहीं तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये आप देख सकते हैं। हम लोग पहुँच चुके हैं मंजिल की तरफ, पहुँच चुके हैं। आप हम लोग आगे के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, तब तक हम ये कलर लाइन बनी हुई है, आप चाहें तो उधर उस साइड से मैं हम लोग क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग दूसरी साइड से जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुएं से आने वाले लोगों के लिए ये लाइन है, और यहाँ से हम लोगों को फिर वो फ्रंट साइड पे सीढ़ियों वाली साइड की तरफ ले जाके ये जोड़ देगा। और यहाँ से आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत व्यूज़ है, काफ़ी अच्छा फैबुलस शानदार ज़बरदस्त। यहाँ से रोपवे का भी हिस्सा दिख रहा है आप लोगों को इस एंड से, और यहाँ से ये जो सिटी बसी हुई है पास में एकदम मंदिर के नीचे वो हैं। मैं आप लोगों को और भी चीज़ें दिखाऊँगा अभी ऊपर चलूँगा आगे। तो हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे, अभी लाइन में हम लोग हैं, अभी ये एक लंबी कतार है, इस लंबी कतार को पार कर। ये देखिए दर्शन मार्ग का स्लोगन लगा हुआ है यहाँ पे, आप लोग देखिए दर्शन मार्ग। ये काफ़ी भीड़ है अभी यहाँ पे, हर रोज़ यहाँ पे हजारों दर्शनार्थी आते हैं यहाँ पे। जैसे नारियल तोड़ना मना है, यहाँ पे नारियल आता भी नहीं है और सही भी है, नारियल आने वाले को यहाँ के बारे में सुना है कुछ चीज़ें, तो उसके बारे में हम लोग आप लोगों को एक्सपोज करेंगे खुद यहाँ के लोगों की जुबानी। देखते हैं आगे अगले एपिसोड। काफ़ी लंबी लाइन है यहाँ पे, हम लोग अभी लाइन में ही लगे हुए हैं और कभी थोड़ा बहुत लगेगा, हालांकि हम लोग अभी फ्रंट व्यू तक दिखाते हैं। यहाँ से देखिए अभी ये लाइन इधर से घूमेगी और ये ऐसे 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 मतलब थोड़ा सा बस थोड़ा सा ये दूरी और तय करनी है हम लोगों को। ये मंदिर का फ्रंट गेट है जहाँ से एंट्री होती है लोगों को। कुंदन जी आ चुके हैं, तो कुंदन जी आप अपना अनुभव बताइए कि कुंदन जी आपको यहाँ पे आके कैसा लगा और क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा यहाँ आने को, बताइए हमारे व्यूवर्स को बताइए आप। भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है और पंडा लोग धक्का उक्का दे देते हैं, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। हाँ, ये जैसा कि इन्होंने बताया कि पंडा लोग धक्का देते हैं, अंदर के सीन में आप लोगों को नहीं दिखा सका, अंदर क्या था कि पंडा जो थे यहाँ के पुजारी लोग कर्मचारी थे वो काफ़ी मतलब प्रेशराइज धक्का देते हैं, पीठ पे औरत हो या आदमी हो या बच्चे भी हो सबको मतलब एकदम धक्के देकर निकालते हैं। वो ऐसा इसलिए भी करते हैं कि वहाँ पर भीड़ काफ़ी हो जाती है, तो इसलिए ऐसा करते हैं। तो जब भी आप आएँ तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखें कि आपको मतलब बढ़ते रहना है, रुकना नहीं, कहीं भी रुकेंगे आप तो धक्के खाएंगे। हालांकि कभी कभी हम अपनी गलती नहीं देख सकते हैं, हम लोग मंदिर के ये इस एंड पे जो मंदिर था यहाँ से हम लोग बाहर आ चुके हैं और यहाँ पे ये काफ़ी लोग देखिए यहाँ पे लोग नीचे बैठे भी हुए हैं और आसपास काफ़ी अच्छा नज़ारा भी है। और मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि ये हमारा जो साइड है, ये यहाँ से हम लोग अभी जिधर रोपवे से आए थे तो रोपवे से साइड में आए थे, सीढ़ियों का मार्ग है कि जैसा कि पहले यहाँ पे कुछ भी मतलब ये देखिए ये टाइल्स वगैरह लगे ना, पहले बिल्कुल कुछ नहीं था। यहाँ पे आप देखिए कितने अच्छे तरीके से एकदम प्रॉपर वे में छोटे छोटे मंदिरों का निर्माण कराया गया है। यहाँ पे हर एक मंदिर पे एक एक पुजारी बैठाए गए और यहाँ पे बहुत अच्छा नज़ारा है। और मैं अभी जानकारी कुछ इकट्ठा कर रहा हूँ, अभी मैं आप लोगों को लाऊँगा। हेलो सर, कैसे हैं आप? हाँ, हम लोग तो यहाँ माता जी के दरबार पे ड्यूटी पे हैं। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? मेरा नाम है शिव प्रसाद वर्मा। शिव प्रसाद वर्मा जी। अच्छा सर, आप यहाँ पे कितने साल से हैं लगभग?
मैं यहाँ से मंदिर क्षेत्र में माँ देवी जी चौकी और माता जी के मंदिर में करीब 14 साल हो गए। अच्छा सर, यहाँ पे हम लोगों ने सुना है, मतलब कहानियों में और काफ़ी लोगों से भी सुना है कि यहाँ पे आल्हा उदल जिंदा है, मतलब आते हैं, मतलब अमर हैं, और वो आते हैं पूजा भी करते हैं माँ का, ऐसा कुछ है क्या? यहाँ पर जब से हम यहाँ ड्यूटी पे आए जी, इसके पहले भी पहले सुना था कि यहाँ आल्हा पूजा करते हैं जी जी माता जी का जी, पर जब हम यहाँ आज 12-14 साल से ड्यूटी भी कर रहे हैं जी जी, तो हमें चारों तरफ से पंडा पुजारी जी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी कर्मचारी सभी से सुना है कि आल्हा पूजा करते हैं जी जी, जो हम भी यहाँ पर माता जी के यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं जी, इसमें भी देखे कि आल्हा जी नित्य पूजा करते हैं प्रथम पूजा। अच्छा, मतलब आपने ये चीज़ देखा कि मतलब पूजा करते हैं? पूजा किया हुआ प्राप्त होता है, पूजा किया हुआ प्राप्त होता है। हाँ, मतलब वहाँ पे फूल वूल चढ़े हुए मिलते हैं ऐसा कुछ? ये पुजारी जी जो हमारे पूर्व देवी प्रसाद जी हैं, देवी प्रसाद जी महाराज जी, हाँ जी, उन्होंने कई बार ऐसा जो अच्छे मोमेंट और अच्छे समय आते हैं हाँ, तो कई बार यहाँ पर माता जी के चरणों में फूल चढ़ा हुआ मिला है जी। बिल्कुल, जो फूल यहाँ पर प्राप्त नहीं हुए हैं जी जी, और हम लोगों ने भी सुना जैसे बताए, मतलब ये जो कहानियाँ हम लोगों ने मतलब जानकारी ली थी मतलब आपके द्वारा, ये मतलब सच है, मतलब जो हम लोगों ने सुना था वो कहानी सच है? बिल्कुल हाँ, ये सच है कि आल्हा आज भी अमर है, आज भी अमर है, और माता जी की प्रथम पूजा वही करते हैं। अच्छा अच्छा सर, यहाँ प्रशासन सर किस प्रकार से देखभाल करती है यहाँ मंदिर परिसर की, मतलब रात में यहाँ पे मतलब यात्री भी रुकते हैं या फिर सिर्फ प्रशासन ही रुकती है? नहीं, यहाँ पे मंदिर प्रशासक जो है अध्यक्ष इसके कलेक्टर जिला सतना के हैं जी जी, और यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था SDM मैहर देखते हैं जी। बिल्कुल, और यहाँ पर मंदिर में रात में आरती पूजा के बाद कोई भी दर्शनार्थी पंडा पुजारी नहीं रुकते हैं जी जी, यहाँ पर 2-8 का बल रहता है, यहाँ पर 2-8 का बल जी जी ड्यूटी पे तैनात रहता है जी जी, जो रात भर यहाँ पर पहरा करते हैं जी जी। अच्छा सर, मतलब यहाँ पे प्रशासनिक सेवा रहती है, बाकी और कोई भी यात्री यहाँ पे नहीं रुकते हैं? यहाँ रात के कोई भी यात्री दर्शन करने के बाद नीचे चले जाते हैं, यहाँ रुकने का कोई इंतजाम ऊपर नहीं है जी जी, सिर्फ दर्शन करने का इंतजाम है जी जी जी। श्रीमान जी, आपका नाम क्या है सर? राम प्रताप कुशवाहा। राम प्रकाश? राम प्रताप। राम प्रताप कुशवाहा जी। सर, आप यहाँ पे कितने दिन से सेवा में हैं? मैं तो करीब 1 साल हुआ। अच्छा, अभी जो बताया आपने, इन्होंने आपके सहयोगी पार्टनर ने, तो इन्होंने ये कहा, ये पूरी तरह से आपने भी ऐसा महसूस किया है कि यहाँ पे पूजा करते हैं आल्हा उदल? हाँ, ऐसा महसूस। अच्छा अच्छा, मतलब ये कहानियाँ जो हम लोग सुनते आ रहे हैं अभी तक वो सच है, मतलब इस पर विश्वास किया जा सकता है? बिल्कुल। धन्यवाद आपका, हमारे चैनल पर आप आए। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या है? ब्रज किशोर गौतम। राज किशोर गौतम? ब्रज किशोर। अच्छा, ब्रज किशोर। अच्छा, ब्रज किशोर गौतम जी, एक बात बताइए, यहाँ हम लोगों ने सुना है कि काफ़ी जो से दर्शनार्थी या श्रद्धालु कभी प्रतिवर्ष, मतलब कभी कोई न कोई अपने जीव काट देता है, मतलब दान कर देता है माता रानी को, ऐसा सच है? हाँ, सच है। तो क्या वो जीव फिर वापस आ जाती है या नहीं आती? आ जाती है, 2-3 घंटे में आ जाती है। मतलब ये अगर साइंस का देखा जाए तो साइंस कहता है कि अगर कोई अंग काट दिया जाए, अलग कर दिया जाए पूरी तरह से, तो उसको जोड़ पाना मुश्किल है। तो लेकिन यहाँ पे ऐसा कैसे हो जाता है कि मतलब जीभ काटने के बाद भी जीभ आ जाती है लोगों को? माँ देती है। माँ देती है, मतलब ये कहना है आपका कि माता रानी में इतनी कृपा है, इतनी शक्ति है कि कटे हुए इंसान की जीभ वापस आ जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे चैनल पे। सुहा जी, जहाँ हम लोग इधर अभी खड़े हैं इस साइड में, ये जो आप हमें दिखाने ले आए हैं, ये आल्हा और उदल, आल्हा और उदल दो ही थे ये दोनों, क्या उनका संबंध क्या था? वो दोनों भाई थे? ये दोनों भाई थे। अच्छा, सगे थे जी। अच्छा, ये जो आप दिखाना चाह रहे हैं, इनके मंदिर किधर साइड में है? ये अपन के पश्चिम साइड। अच्छा, ये आपने जो दिखाया ये जी, ये यहाँ पे इनकी मंदिर है ना, ये इनका तालाब भी है जी, तालाब तालाब है, और इसके साइड में अखाड़ा किधर है? ये पूर्व साइड में। अच्छा, ये इस साइड में, पूर्व साइड में ये अखाड़ा, ये अखाड़ा है। अच्छा, इस अखाड़े पे क्या ये लोग मतलब पहले लड़ाई किया करते थे, मतलब जैसे कुश्ती वगैरह किया करते थे? हाँ, ऐसा ही अखाड़ा बना है। कौन सी देवी है यहाँ पे? ये आल्हा की कुल देवी है, फूलमती माता जी है। अच्छा, ये फूलमती माता जी, मतलब आल्हा जी इनकी पूजा करते थे? कुल देवी है, कुल देवी। अच्छा अच्छा, ये कुल देवी का मतलब क्या होता है प्रसाद जी? इनकी मैन देवी क्या है इनका? ये आइए, मैं पंडित जी से ही डायरेक्टली बात करता हूँ। कुल की देवी है, कुल देवी, कुल मतलब उनके परिवार की। हाँ, अच्छा, उनके परिवार की देवी हैं। आप लोग देखिए, ये हमारे चैनल के माध्यम से ये माता रानी का दर्शन करिए, और ये हमारे पुजारी, पुजारी जी आपका नाम क्या होगा? नारायण शुक्ला। नारायण शुक्ला जी हैं।
अच्छा, इन्होंने बताया कि जो आधा उदल थे ये उनके परिवार की ये कुल देवी हैं, इनका नाम है माता फूलमती। आज भी मतलब आधा जो है कि माँ की पूजा करते हैं सबसे पहले। ये देखिए, ये हमारे चैनल के माध्यम शुक्ला जी ने भी बताया, प्रशासनिक लोगों ने भी बताया कि माँ शारदा की पूजा सबसे पहले आल्हा जी ही करते हैं आज भी। ये पूरी तरह से सत्य है, ये किताबों में सिर्फ छपी छपाई बातें नहीं है, ये पूरी तरह से सत्य है कि आल्हा ही पूजा करते हैं सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शुक्ला जी। चल रहे हैं इधर अखंड ज्योति की तरफ, ये गुफा भी है नीचे। ये प्रसाद जी हमें ले जा रहे हैं उधर दिखाने के लिए कि मतलब इधर एक साइड में गुफा भी है नीचे जहाँ पे अखंड ज्योति जलती है, जो कभी आज तक बुझी ही नहीं, ऐसी ज्योति। ऐसा ही है प्रसाद जी, जो कभी बुझी ही नहीं, अखंड ज्योति है वो कभी बुझी ही नहीं। हम उस तरफ रुक कर रहे हैं अभी। अपने चैनल के माध्यम से अपने व्यूवर्स को बताना चाहेंगे, ये देखिए ये रास्ता है, ये सीढ़ियों का रास्ता है, सीढ़ी मार्ग है। गुफा में हम लोग हैं और इस टाइम ये अखंड ज्योति जो आज तक कभी बुझी नहीं। पुजारी जी आपका नाम क्या होगा? स्वामी जी का नाम है यहाँ का। हाँ, स्वामी जी का नाम है प्रधान पुजारी। अच्छा, आपका नाम? हमारा नाम तो राम फल है। ये अखंड ज्योति जो जल रही है ये कभी बुझी कि नहीं? कभी नहीं, आज तक नहीं बुझी। नहीं, वो जैसे जल रही वैसे ही जल, बस ऐसे जल। ये देखिए, ये सच्चाई है यहाँ की, मैहर धाम की, माँ शारदा धाम की। और ये गुफा नाम है, ये अमर गुफा, जिसे अमर गुफा कहते हैं, अखंड ज्योति माँ शारदा, ये कभी नहीं बुझने वाली ज्योति है। और यहाँ पे सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मैं आप लोगों से निवेदन करूँगा अपने व्यूवर्स को कि यहाँ पे आएं और एक बार अखंड ज्योति का जरूर दर्शन करें इस अमर गुफा में आकर। बहुत बहुत यहाँ पे गुरुजी आते हैं तो विश्राम इसी पे करते हैं। ये अंदर का गुफा है। अच्छा, ये गुफा अंदर ये है। अच्छा, यहाँ लोगों का मानना है कि ये जो रास्ता है, ये जो गुफा है, अमर गुफा, ये माता रानी के सीधे एकदम पट में जाके मिलता है, मंदिर के पास में मिलता है। यहाँ पे जाने आने के लिए लोगों को मना है अभी, और यहाँ पे कोई ऐसे व्यक्ति नहीं जा सकते। यहाँ पे सिर्फ यहाँ के प्रधान पुजारी ही जा सकते हैं, या फिर यहाँ पे जो परमिटेड पर्सन होते हैं सिर्फ वही। ये है अमर गुफा की कहानी। अभी आप लोगों ने देखा कि हमने आपको अखंड ज्योति के बारे में बताया, अमर गुफा के बारे में बताया। अभी हम ले गए थे आप लोगों को अमर गुफा दिखाने। वहाँ की सच्चाई ये है कि सच में आज तक कभी वो अखंड ज्योति कभी बुझी नहीं, कभी कुछ। वहाँ के पुजारी ने बताया, वहाँ पे जो देख रेख कर रहे हैं केयर टेकर लोग, कि यहाँ पे जी न्यूज वाले भी आए थे 2 साल पहले, और वो लोग ये एक्सपोज करना चाहते थे कि क्या मंदिर में सच में आल्हा पहले पूजा करते हैं या सिर्फ एक झूठी कहानी है। कि हाँ, आप लोगों को हम अपने चैनल के माध्यम से भी बता रहे हैं कि यहाँ पे सच में जिन लोगों से मैंने बात करी, ये पूरी तरह से घटनाएं सच हैं कि यहाँ पे आल्हा पहले ही पूजा करते हैं मंदिर में, और उसके बाद ही कोई दूसरा पूजा करता है। तो जी न्यूज़ वाले ने भी यही पाया कि वहाँ पे सारा सिंगार पहले हो चुका था और उसके बाद ही कुछ हुआ। उसके बाद मतलब उन लोगों ने अपने चैनल के माध्यम से, वहाँ पे मुकुट रखा हुआ था और पूरी चीज़ें वहाँ पे पहले फिनिश हो गई थी, मतलब सिंगार वगैरह का जो भी काम था आल्हा जी ने पहले ही कर रखा था। ये पूरी तरह से कहानी सिर्फ किताबों में नहीं, ये पूरी तरह से सच है और यूनिवर्सल ट्रूथ है और होता है और होता रहेगा। अच्छा, अब हम लोग फिर से अपने रोपवे की तरफ जा रहे हैं, अब हम लोग वापसी कर रहे हैं। हम लोग फिर से रोपवे के माध्यम से नीचे जा रहे हैं और अभी ये लाइट कट गई है, सप्लाई यहाँ की रुक गई है, हम लोग बीच में हट के पड़े हैं अभी। और यहाँ से देखने में काफी डर लग रहा है, आप यहाँ पे देखिए नीचे गाड़ी रुक गई, रोपवे रुक गया, झूला रुक गया, बहुत खतरनाक नज़ारा। रुक चुका है पूरी तरह से और सप्लाई कट गई है। अभी ये नज़ारा देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी खाई में है, मतलब यहाँ से सोच सकते हैं। अब आ चुके हैं, अब हम लोग की ट्रेन भी है 1:15 बजे और हम लोगों ने अभी कुछ खाया पिया भी नहीं है। सुबह से दर्शन करने के चक्कर में, माता रानी के दर्शन करना था इसलिए खाए पिए नहीं। अभी हम लोग चलते हैं अन्नपूर्णा ट्रस्ट, जिसके बारे में मैं आप लोगों को सुबह ही बताया था, तो उस ट्रस्ट में देखते हैं किस प्रकार से भोजन है। और भोजन करने के बाद हम लोग सीधा रुख करेंगे, पहले हल्का से नाश्ता करेंगे, चाय वगैरह लेंगे, और लेने के बाद हम लोग की ट्रेन है जो 1:15 बजे, उसको हम करने की कोशिश करेंगे, फिर घर वापसी। मैं आप लोगों को अभी अगले एपिसोड में कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ यहाँ के टूर के बारे में। जब भी आप यहाँ आएँ तो पहली बार क्या करें और क्या ना करें उसके बारे में अभी मैं आपको बताऊँगा, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग हुआ है और आप लोग को जानना भी जरूरी है कैसे। और वो स्कैम,
वो उसको उसके बाद से कैसे बचें, इस पूरे वीडियो को आपको पूरा देखना है। आप पूरा देखेंगे तभी आप सही चीज़ों को जान पाएंगे और सभी चीज़ों पर आप काम कर पाएंगे, इससे बच पाएंगे इस कैमरे में। तो आप थोड़ा सा वक्त दें और मैं आपको अपने गले लगाया जो तवारी मैं आया शेरवाली को दोस्तों। मैं इस समय मेहर रेलवे स्टेशन के पास में खड़ा हूँ। यहाँ पे सबसे बड़ा एक इशू है यहाँ पे कि अगर आप गाड़ी से उतरते हैं तो यहाँ पे लोग बहुत सारे लोग सबसे पहले आपको ये बोलेंगे ऑटो वाले कि मैं अपनी दुकान पे ले जाऊँगा आपको, तो वो ज़बरदस्ती करते हैं आपको अपनी दुकान पे जाने पे। सबसे बड़ा इसका यहाँ पे यही होता है कि वो सारे जो ऑटो वाले हैं सब एक हैं और आपको ले जाएंगे अपनी दुकान पे, और अपनी दुकान पे जाके वो भाई जो है आपसे पहले मीठी मीठी बात करेंगे, बाद में बोलेंगे आपको 250 या 300 या 500 के लगभग में आपको प्रसाद बनवाना पड़ेगा ज़बरदस्ती, भले आपके जेब में पैसे हो या ना हो वो अलग इशू है, ठीक है। ज़बरदस्ती पैसे मतलब आपसे प्रसाद के लिए फोर्स करते हैं कि आपको ये लेना पड़ेगा आपको। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा इशू है कि ले जाते हैं भोले वाले लोगों को फंसा देते हैं। अब आदमी के पास पैसे नहीं है, बताओ वो कैसे से बचना है इन चीज़ों को। अगर आपको बचना है तो आप ये जो परिसर है ये आपको गेट दिख रहा होगा बड़ा सा, इस गेट से आप बाहर जाएंगे, इस गेट से बाहर जाएंगे तो आपको कोई ना कोई ऑटो वाला पीछे से आएगा, वो आपको जरूर ले जाएगा। और वो ले जाएगा तो आपसे उससे पहले बोलना है कि मुझे मेरी जगह है वहाँ पे, मैं अपनी जगह पे रुकूंगा, मैं आपकी दुकान पे नहीं रुकूंगा। अगर आप इस स्कैम से बचना चाहते हैं तो आप ऐसे करिए, तब आप अपनी मर्ज़ी से किसी होटल में, यात्री निवास में, या बहुत सारे यहाँ पे धर्मशाला है जो आप अलग अलग तरीके से आप रुक सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करते तो आपको परेशानी में पड़ सकता है, मतलब ये चुना लगा था। अगर फैमिली के साथ हैं 5-6 लोग हैं तो 250-300 रुपये एक पर्सन के हिसाब से भी अगर चार्ज किया 1000 रुपये हैं। इन चीज़ों का आप ध्यान रखें, अगर पहली बार है आप क्या कर रहे हैं आप, तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें कि आप इस तरीके की गाड़ी में बिल्कुल न बैठे। अगर ये लोग ऐसा करते हैं कि नहीं आप लोग परेशान हो मत रहिए, ये लोग 10-15-20 मिनट के बाद ये कोई ना कोई उसमें से एक बंदा जरूर आएगा, बोलेगा चलो मैं आपको ऐसे ही छोड़ देता हूँ, आपको जहाँ मर्जी हो वहाँ जाओ। लेकिन अगर जैसी गाड़ी आती है ना उस टाइम तक अगर आप लोग बोलोगे कि नहीं मुझे जाना अभी अर्जेंट है, तो वो लोग आपको फंसा देंगे, फिर स्कैम हो जाएगा आपका, फिर आपको ले जाके वो अपनी दुकान पर रखेंगे, दूर होगा, कहाँ होगा, फिर कैसे होगा आपका, कुछ भी होगा। तो आपको चार्ज जो आपको उनका चार्ज है ना बहुत ज़्यादा होगा, फिर आप परेशान हो जाओगे बहुत ज़्यादा। इन चीज़ों से बचना तो सबसे पहले आप जो मैंने आपको गेट बताया उस गेट के बाहर जाइए, वो गेट दिख रहा है, उस गेट के बाहर जाने के बाद आप अपने हिसाब से गाड़ी वालों से बात करिए, नहीं तो एक सरकारी बस भी चलती है यहाँ पे सुबह 5 बजे से लेकर रात को 7 या 8 बजे तक चलती है, वो आना जाना करती है, तो उस पर 5 रुपये उसका किराया, 10 रुपये रेंटली है, उससे भी आप जा सकते हैं। वो हर आधे घंटे में वो गाड़ी आती है, तो अगर रात में उतरें तो ये समस्या ज़्यादा होती है, दिन में भी होती है। जिनको नहीं पता होता वो लोग ऑटो वाले के चक्कर में फंस जाते हैं, और अच्छे लोग भी फंस के इसमें नजायज पैसे देते हैं। तो इन स्कैम से आपको बचना है और ध्यान रखें। आपको मैं इस चैनल के माध्यम से यही बताना चाहूँगा कि आप जो है इस तरीके के स्कैम से बिल्कुल बचें। धन्यवाद। मैयर स्टेशन पे इस टाइम खड़े हैं इस वक्त, और प्लेटफॉर्म 1 पे खड़े हैं, हमारी गाड़ी इस साइड से आ रही है।